पुलिस का कांवड़ियों पर लाठीचार्ज करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में भगवा कपड़े पहने युवकों को पुलिस भगा रही है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां पुलिस कांवड़ियों पर लाठीचार्ज कर रही है। लेकिन जब फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल की तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, इस रिपोर्ट में देखिए। सावन के महीने का शुभारंभ होते ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। कांवड़ यात्रियों के लिए कई जगहों पर खास इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना फैले और यात्रा करने वाले भक्तों को सहूलियत मिल सके। लेकिन इन सब के बीच एक वीडियो तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें पुलिस वाले कांवड़ियों की पिटाई कर रहे हैं, उन पर बेतरतीब तरीके से लाठी भांज रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि वीडियो पश्चिम बंगाल का है और वहां पर कांवड़ियों की पिटाई की गई है। ममता सरकार के खिलाफ इस वीडियो को भावनाओं में बिना सोचे समझे यूजर धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं और इस पोस्ट के जरिए अपने गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। तेजी से सुर्खियों में आते इस वीडियो की ओर हमारा ध्यान गया तो हमने भी इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की। वायरल वीडियो कांवड़ियों की पिटाई का क्या बंगाल में ही हुआ है? क्या कांवड़ियों पर उतर रहा है बंगाल पुलिस का गुस्सा? क्यों हो रही है कांवड़ियों की पिटाई? वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हमने सबसे पहले वीडियो के कई की फ्रेम्स निकाले और उसके बाद रिवर्स सर्च शुरू किया तो बिल्कुल ऐसा ही वीडियो हमें मिला बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पर, जो 16 अगस्त 2021 को पोस्ट किया गया था। इस पोस्ट से मिली जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो कोलकाता के भूतनाथ मंदिर का है। इस वीडियो के साथ कैप्शन भी दिया गया था कि भूतनाथ मंदिर के सामने कोलकाता पुलिस ने शिव भक्तों को बेरहमी से पीटा। हमने अपनी तहकीकात नहीं रोकी और हम पूरी तरह से आश्वस्त हो जाना चाहते थे कि सही में ये वीडियो कोलकाता के भूतनाथ मंदिर का ही है ना। हमने इंटरनेट पर कुछ कीवर्ड्स के सहारे तहकीकात की तो हमें कई रिपोर्ट्स मिली जिसमें इस घटना की पुष्टि हो रही थी। इन रिपोर्ट्स में खबर का आधार बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष रितेश तिवारी का पोस्ट था, जिसमें उन्होंने यही वीडियो ट्वीट करते हुए ममता राज पर सवाल उठाया था। दरअसल कोलकाता के भूतनाथ मंदिर को लेकर भक्तों की बड़ी आस्था है। यहाँ सावन के महीने में बड़ी तादाद में शिव भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। जब कोरोना की दूसरी लहर के बाद पश्चिम बंगाल के लगभग सभी मंदिरों को खोल दिया गया था, लेकिन कोलकाता का भूतनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद था। इस दौरान मंदिर के बाहर से ही पूजा करने के लिए शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद पुलिस ने भक्तों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस तरह से कहा जा सकता है कि वायरल वीडियो अभी का नहीं बल्कि 2021 का है और ये कोलकाता के भूतनाथ मंदिर का है, जहां पर कोविड की गाइडलाइंस का पालन नहीं करने की वजह से पुलिस को लाठी चलानी पड़ी थी, ना कि जानबूझकर कांवड़ियों की पिटाई की गई थी। रेशमा पुजगल के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। एक उफनती नदी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यूजर्स इसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान का बताते हुए दावा कर रहे हैं कि हाल ही में बांध टूटने का यह वीडियो है। साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान में 8 बांध टूटने के बाद आपातकाल लगा दिया गया है। क्या है सच और क्या है झूठ, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पिछले दिनों एक साथ कई बांध टूट जाने की वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई। कई लोगों की मौत की भी खबर सामने आई। ऐसे में सोशल मीडिया पर इन दिनों तेज रफ्तार से बहती एक नदी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे पाकिस्तान के हालिया घटना से जोड़कर शेयर किया जा रहा है। कई यूजर्स ने इस वीडियो को शेयर करते हुए पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हाल ही में बांध टूटने के बाद का दृश्य होने का दावा किया। इस वीडियो में पहाड़ी दर्रे से होते हुए उफनती हुई नदी के तेज बहाव को देखा जा सकता है। इसे देखकर लगता है जैसे कोई नदी बांध तोड़कर बह निकली। एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा,
बलूचिस्तान में 8 बांध फटने के बाद आपातकाल लगा दिया गया है। क्वेटा और क्वेटा के आसपास अब तक भारी बाढ़ से 77 लोगों की जान जा चुकी है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में और बारिश होने की संभावना है। वायरल दावे की पड़ताल के लिए हमने सबसे पहले बलूचिस्तान के मौसम का हाल पता किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान में पिछले दिनों तेज बारिश और बाढ़ से 63 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान में आई इस आपदा से लगभग 30,000 लोग बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। इन मीडिया रिपोर्ट से ये भी जानकारी मिली कि बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ से बलूचिस्तान में कई बांध और पुल बह गए। अब तक की पड़ताल में ये तो साफ हो गया था कि बलूचिस्तान में पिछले दिनों तेज बारिश और बाढ़ से नदियां उफान पर हैं और कई बांध और पुल बह जाने से हालात भयावह हो गए हैं। लेकिन इस बात की तहकीकात अभी बाकी थी कि वीडियो वाकई में बलूचिस्तान का ही है और हालिया घटना का ही है। दरअसल सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस वायरल दावे को गलत बताया। उनका कहना है कि वीडियो ओमान की राजधानी मस्कट का है, लिहाजा वीडियो की पड़ताल के लिए हमने इनविड टूल का इस्तेमाल किया और वीडियो को की फ्रेम्स में तोड़ा। थोड़ा सर्च करने पर हमें ये वीडियो दुबई के एक सरकारी अखबार के सत्यापित ट्विटर हैंडल पर मिला। यहाँ ये वीडियो 7 जुलाई 2022 को शेयर किया गया था। यहाँ अरबी भाषा में दिए गए कैप्शन का अनुवाद किया तो यहाँ लिखा है, बारिश और बाढ़ की चपेट में ओमान सल्तनत #बाढ़। इस ट्वीट में एक लिंक भी शेयर किया गया है जिसके शीर्षक में लिखा है, वीडियो में ओमान सल्तनत में मूसलाधार बारिश और तूफान। इस रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई की शुरुआत से ही भारी बारिश के बाद कई ओमानी शहर बाढ़ की चपेट में आ गए थे। 7 जुलाई 2022 को ही एक और अरबी समाचार रिपोर्ट में यही जानकारी शेयर की गई। अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाने के लिए हमने वहां की सरकारी मीडिया द्वारा इस्तेमाल किए गए अरबी कीवर्ड से सर्च किया तो यहाँ हमें वायरल वीडियो मिल गया। इस वीडियो को कई यूजर्स ने शेयर करते हुए #JebelShams लिखा था। हालांकि ये अरबी भाषा में था, अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया तो जेबल शम्स समझ में आया। दरअसल जेबल शम्स उत्तर पूर्वी ओमान में एक पहाड़ी इलाका है। कई मीडिया आउटलेट्स ने इस इलाके को बाढ़ से प्रभावित बताते हुए क्षेत्र में फंसे लोगों को बचाने के लिए चल रही कोशिशों का जिक्र किया। सर्च करने पर YouTube पर ये वीडियो 7 जुलाई को अपलोड किया हुआ मिला। यहाँ भी इस वीडियो के साथ जो शीर्षक दिया गया है वो इस बात की पुष्टि करता है कि वीडियो ओमान के जेबल शम्स का है। कुल मिलाकर वायरल वीडियो के साथ किया जा रहा दावा गलत है। हालांकि ये सच है कि बलूचिस्तान में अचानक आई बाढ़ ने कई लोगों की जान ले ली है, लेकिन ये वीडियो वही आई आपदा का नहीं है। ये वीडियो पहली बार 7 जुलाई को वायरल हुआ था जब ओमान में विनाशकारी बाढ़ और बारिश हुई। बेचूएस के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। और अब वक्त है उन खबरों का जो सही गलत के दायरे से थोड़ा हटकर हमको आपको गुदगुदाती है, चेहरे पर मुस्कान लाती है, हंसने का मौका देती है, सोचने पर मजबूर करती है और सोशल मीडिया के हल्के फुल्के माहौल को परोसती है, जहां टैलेंट भी होता है, गलतियां भी होती हैं और मस्ती मजाक भी होता है। ऐसे ही कुछ वायरल वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पिता के बाद अगर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसी की होती है तो वो है बड़ा भाई। बड़ा भाई अपने छोटे भाई बहनों का अपनी जान से भी बढ़कर ख्याल रखता है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक भाई अपने छोटे भाई को शर्ट दे रहा है, खुद खाली बदन घूम रहा है। इस तस्वीर में दोनों ही बच्चे छोटे हैं, मगर बड़े भाई ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। कार पार्किंग करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल इस महिला ने कार की पार्किंग करने का अनोखा जुगाड़ निकाला है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला कार पार्क करने के लिए दिक्कतों का सामना कर रही होती है। एक कार आगे होती है तो दूसरी पीछे। महिला कार से बाहर निकलती है और पैर से दोनों कारों के बीच की दूरी को नापती है। इसके बाद वो कार को पैर से नापती है और फिर इसके बाद उसे विश्वास होता है कि वो कार को यहाँ पार्क कर सकती है। के बाद कार को पार्क करवाने में उसकी एक महिला मदद करती है, लेकिन बाद में वो महिला भी अपनी कार को लेकर निकल जाती है।
ऐसा माना जाता है कि अगर दिल जवां हो तो उम्र को मात दी जा सकती है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देख लीजिए। एक कलाकार सड़क पर अपने गिटार बजाने की प्रतिभा का प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है, तभी एक बुजुर्ग महिला वहाँ से गुजर रही होती है। ये बुजुर्ग महिला खुद को संगीत में थिरकने से नहीं रोक पाती और अपने कंधों को हिलाने लगती है। पलक झपकते ही ये बुजुर्ग महिला अपने पैर थपथपाने लगती है और वहाँ पर जमा भीड़ उसका हौसला बढ़ाने लगती है। अंत में गिटार वादक और महिला दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। ये वीडियो आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान जरूर ला देगा। मेट्रो की सीट में लोग बैठे हुए हैं तो वहीं सामने एक लड़की भी जीन्स जैकेट पहने नजर आ रही है, लेकिन अचानक ही लड़की डांस करना शुरू कर देती है। लड़की जबरदस्त तरीके से डांस कर रही है और लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही डांस भी देख रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पंडाल में हो रहे भजन कीर्तन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप एक व्यक्ति को ढोल बजाते हुए देख सकते हैं। ये काफी अजीबोगरीब तरीके से ढोल बजा रहा है। उछल उछल कर ढोल बजाते ऐसे व्यक्ति को आपने पहली बार ही देखा होगा। एक पल के लिए तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे ये ढोल नहीं बजा रहा बल्कि कसरत कर रहा है। वैसे तो डॉगी और बंदर दोनों ही मस्तीखोर और खुराफाती जानवर होते हैं, लेकिन बंदरों का लेवल इस मामले में डॉगी से थोड़ा सा ऊपर है। कई बार बंदर इतनी मस्ती करने के मूड में होते हैं कि वो सामने वाले को परेशान करके ही छोड़ते हैं। ऐसा ही एक बेचारे डॉगी के साथ हुआ। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो को देखिए, जिसमें आप एक डॉगी को तीन बंदरों के बीच घिरा हुआ देखते हैं। तीनों ही बंदर डॉगी को परेशान करने में लगे हुए हैं। डॉगी भी गुर्राता है लेकिन बंदरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हद तो तब हो जाती है जब एक बंदर डॉगी की पूंछ खींच देता है। नो, 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 नो,